हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि 250 रुपये तक के मिलने वाले डीमर को यानी फैन रेगुलेटर को 10 से 15 रुपए के खर्चे में, ठीक है, या फिर 5 रुपए के खर्चे में कैसे करें। ठीक है, देखिए सारा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, लगभग 150 से 200 के आसपास मिलता है, ये 250 से 300 के आसपास का मिलता है। ठीक है, जितना अच्छा कंपनी लीजिएगा ट्रिपल कैपेसिटर में, वो 250 से कम में नहीं आएगा, लगभग लगभग 250 में आएगा। ठीक है, और ये सस्ता वाला हो गया जो कि 100 रुपये के आसपास, 50 से 100 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो कोई भी हो, ठीक है ना, उसको कैसे 5 से 10 से 15 रुपये, 15 रुपये ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि मानते जिसमें 3 कैपेसिटर लगा वो 15 रुपये, बाकी एक लगाया तो 5, 2 है तो 10। ठीक है, इतना में आप उसको कैसे रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपको वीडियो देने जा रहा हूँ। डीमर पे मैं एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें आपका वॉल्यूम ख़राब था, खाली तेल डाल देने से उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका वॉल्यूम से दिक्कत लगता था, आप वॉल्यूम को बदल दीजिए, आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आज इस विषय पे बात करूंगा, सभी का कैपेसिटर ब्लास्ट है। ठीक है, तो इस सब केसेस में आपका क्या होगा, आपका जो डीमर है सिर्फ 5 पे फुल पे काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वहाँ काम करेगा। ठीक है, जैसे सब को देख लीजिए, ये सब में लगभग लगभग देखिए कैपेसिटर ब्लास्ट। ठीक है, इसमें कैपेसिटर ब्लास्ट, पीएफ कैपेसिटर है, ये सही है। इसमें देखिए कैपेसिटर पूरा जल चुका है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी मैं एक उठाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको कोई मीटर वीटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर सीधा ख़राब दिख रहा है, तो उसको अलग करिए। ये सबको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कनेक्शन करके भी दिखाया, तो कनेक्शन करने के लिए आप देख लीजिए, जो रेगुलेटर यानी डीमर होता है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, तो एक वायर कोई खोलिए, आप कोई भी एक निकाल सकते हैं, आप उसमें एक तार आपको यहाँ दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये स्लीव आप लगा दीजिए ताकि काम करते समय आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद ये दूसरा लेग है जहाँ से आपने इस तार को हटाया है वहीं पे दे दीजिए। कहने का मतलब है ये सीरीज में लगता है डीमर, तो मैंने सीरीज में से लगा दिया। ठीक है, देखिए सप्लाई भी मैंने दे दिया। अब देखिए फूल यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे फूल बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ काम कर रहा है और आपका डीमर जो है कहीं काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सप्लाई फिर से रिमूव कर दिया गया। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से सभी कैपेसिटर को रिमूव करना है। ठीक, देखिए आप चाहें तो इसको मैं सिर्फ बॉल निकाल देता हूँ, सप्लाई मैं पहले ही डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। अब देखिए एक एक करके आपको को निकालना है, सबका वैल्यू भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको मार्केट में जाके क्या बोल के लाना है। ठीक है, जो आपको कैपेसिटर सही है उसको आप रहने दे सकते हैं, पहले मैं निकाल दे रहा हूँ, फिर चेक किया जाएगा सही है तो। अब देखिए निकाल दिया गया, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सब SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस नहीं खराब होते, बहुत रेयर कंडीशन में खराब होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, इस पर कितना कितना ऊपर रेजिस्टेंस डाला जाता है उस पर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन 90% केसेस में आपको क्या होता है, या तो वॉल्यूम खराब होगा, नॉब वो भी नॉब वाले में नॉब खराब होता है, रोटरी में नॉब जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, जिसमें नॉर्मल रेडियो टाइप वॉल्यूम रहता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये सब में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कितना बुरी तरह से कैपेसिटर इसका खराब है। ठीक है, अब आया वैल्यू का। ठीक है, देखिए ये जो कैपेसिटर है ये सही है, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है, आप इसका शॉर्टिंग चेक करके इसको लगा सकते हैं। अगर शॉर्टिंग दिखे, आपको इतना करना नहीं है, फिर भी मेरे पास मीटर है तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन आपके पास मीटर नहीं है तो आप ये स्टेप ना करें, सीधे 3 नया कैपेसिटर लगा दें। देखिए शॉर्टिंग नहीं है, कनेक्टिव रेंज में लगाइए मल्टीमीटर के, ठीक है, रोटरी को, उसके बाद देखिए शॉर्टिंग नहीं, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप मार्केट में जाना है, आपको वहाँ से 3 PF कैपेसिटर आपको लेके चले आना है। ठीक है, सबका वैल्यू मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें
दो सेम वैल्यू के लगे हुए हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको है यहाँ पे देखिए 245 के 250 वोल्टेज, ठीक है, एसी दोनों सेम वैल्यू के हैं, ठीक है, और एक जो है आपको लगा रहा है 125 के 250 वोल्टेज का, ठीक है, ये सही था, आप लगा सकते थे, लेकिन आप मार्केट से लेके आज नया आप नया ही लगा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। 5 रुपये करके एक आएंगे, 15 रुपये में आपके काम हो जाएंगे। एक आयरन आप घर रखिए, 100 रुपये का आयरन आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, ठीक है, तो आयरन लेने में आप कोताही और देरी ना करें। वीडियो पूरा देखिए, मैं बनाने के बाद आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। देखिए ऐसे ही आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। जो कम वैल्यू का है 125 वाला, ठीक है, आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है, बाकी आप जिस पोजीशन से जो वैल्यू को निकाली वहीं लगा दीजिए, आप कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तीनों सेम वैल्यू भी लगा देंगे आप तो भी काम करेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस आपको सोल्डिंग जो है वो मजबूत करना है। ठीक है, होल होगा, होल में लगा दीजिए, उसके बाद से आप सोल्डिंग कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, अच्छे से सोल्डिंग हो जाए तो अब आप इसको टेस्ट करके देखिए। इसको मैं 0 बुला देता हूँ, मैंने सप्लाई लगा दिया, ठीक है, देखिए 1 2, ठीक है, देखिए यहाँ पे कम हुआ फिर बड़ा, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ाते जाइए, ठीक है, देखिए 5, ये 4 हुआ, 4 थोड़ा सा कम है और ये 5 पूरा फुल है, ठीक है, यहाँ पे फिर ऑफ हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप 250 का डीमर फेंकने से बच सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद, और 5 से 10 रुपये खर्चे में इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो जो कैपेसिटर खराब है सिर्फ उसी को बदलिए आप, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रह गया बाद अगर SMD रेजिस्टेंस गड़बड़ पे उसके वैल्यू के विषय में भी कोई वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।